गेमिंग कंसोल परचेज भी करते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस पे। किसी भी टाइप का गेमिंग कंसोल है आप हमसे एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत मिनिमम प्राइस में। हम उसको PS3 की जगह PS4 लेना, हम आपको वो डील अवेलेबल करा देंगे। नॉन जेल ब्रेक वाले मॉडल के साथ आपको जेल ब्रेक वाला सेट लेना है वो भी हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। वो चाहिए प्रो के एक्सचेंज में आपको PS5 लेना है वो भी हम आपके साथ अवेलेबल करा देंगे। सारी फेयर प्रोसेस रहता है। वीडियो कॉल के थ्रू आपके कंसोल में जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और उसका जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम चार्ज किया जाता है। कंसोल हमारे पास आता है, हम इमीडिएटली उसकी प्रॉब्लम को कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो कॉल पर समझाते हैं ये पार्ट्स था, पार्ट्स को चेंज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज करते हैं। PS2, Xbox 360, PS4 और इवन PS5 सभी टाइप की गेमिंग कंसोल गेम फिक्सिट पे रिपेयर होते हैं। गेम फिक्सिट का जैसे आपको पता है कि हम लोग सेल, परचेस और रिपेयरिंग सभी टाइप के गेमिंग कैटेगरीज में डील करते हैं। गेम फिक्सिट की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट, सेल, सर्विस, रिपेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो जाएगा। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम टाइम टू टाइम वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लस हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ से आप अपना मैसेज डालें, मैसेजिंग वगैरह करें, कनेक्ट करें और कॉन्टैक्ट स्टाफ हर समय अवेलेबल होता है। किसी भी टाइम कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे आप कोई भी गेमिंग कंसोल सेल करना हो। जी हाँ दोस्तों, हम गेमिंग कंसोल परचेज भी करते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस पे। जो हमारा प्रोसेस रहता है परचेज का वो बेसिकली ये रहता है कि अगर कोई भी कस्टमर दिल्ली NCR से है तो वो हमारे स्टोर पे आके गेमिंग कंसोल सेल कर सकता है ऑन द स्पॉट, कैश या ऑनलाइन पेमेंट, जिस जो भी मोड कस्टमर को एप्लीकेबल होगा हम उसको उस मोड में पेमेंट कर देंगे। इसके साथ हम आपको ऑफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की डिमांड आती है। मैंने देखा है कि उनके पास PS4 है और वो चाहते हैं कि हमें एक्सचेंज करके PS5 लेना है, या बहुत से व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स के पास PS3 है उनको PS4 परचेज करना है। तो आप दोस्तों आपकी इस फरमाइश को भी ध्यान रखते हुए गेम फिक्सिट आपको ऑफर करता है कि आपके पास किसी भी टाइप का गेमिंग कंसोल है आप हमसे एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत मिनिमम प्राइस में। हम उसको एक्सचेंज कर देंगे, आपको PS3 की जगह PS4 लेना हम आपको वो डील अवेलेबल करा देंगे। PS4 फैट मॉडल की जगह आपको PS4 स्लिम लेना वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। PS4 स्लिम नॉन जेल ब्रेक वाले मॉडल के साथ आपको जेल ब्रेक वाला सेट लेना है वो भी हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। आपको लिमिटेड एडिशन वाले चाहिए, प्रो के एक्सचेंज में आपको PS5 लेना है वो भी हम आपके साथ अवेलेबल करा देंगे। सारी चीज़ें, जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें आपकी डिमांड, आपकी फरमाइश पर हम अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट हम आपको देंगे, बहुत अच्छे प्राइस पे आपके गेमिंग कंसोल हम परचेज करेंगे। यदि अगर कोई भी कस्टमर आपका बिलोंग करता है आउट ऑफ दिल्ली, उसके लिए नॉर्मली यह था हमारा सपोर्टेड स्टाफ उसको वीडियो कॉल पर सेट को चेक करेगा। हमारा जो कोरियर पार्टनर है आपके घर से आपका सेट पिकअप होगा। वंस वो हमारे स्टोर पर आ जाएगा, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद जो भी उसकी ट्रू वैल्यू होगी कस्टमर के बाद डिस्कशन होने के इमीडिएटली उनको पेमेंट कर दी जाएगी। बहुत ही फेयर डील होती है हमारे यहाँ। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जी हाँ, मोस्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो रहती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, क्योंकि दोस्तों देखिए बिजनेस की जो मेन जो नींव होती है जैसे बोलते हैं वो आपके जब तक कस्टमर हैप्पी नहीं है तो आप डील नहीं कर सकते हो। हमारा हमेशा ये रहता है, अभी तक हमने जितने भी कस्टमर से डील किया सभी हैप्पी हैं, सभी हमारे साथ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस में हम उनको ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी आशा करता हूँ इसी टाइप से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहूँगा, प्लस कम्युनिकेशन देना चाहूँगा उन सभी गेमर्स को जो दिल्ली NCR रहते हैं प्लस आउट ऑफ दिल्ली भी जो रहते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी रिपेयरिंग के ऊपर, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर किसी भी व्यूवर्स, जो भी व्यूवर्स हमारे आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें, प्रॉब्लम को बताएं टेक्निकल स्टाफ को। हमारा कोरियर पार्टनर होम पिकअप करेगा आपके गेमिंग कंसोल को, यहाँ पे आकर जो टेक्निकल स्टाफ है उसको रिपेयर करके इमीडिएटली आप पे डिलीवर कर देगा। फिर प्रोसेस रहता है वीडियो कॉल के थ्रू आपके कंसोल में जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और उसका जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम चार्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक लास्ट वीडियो से जितना भी हमें इनपुट मिला था सभी हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे सभी के गेमिंग कंसोल रिपेयर किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स थे जिनने अपना गेमिंग कंसोल, चाहे वो PS4 हो या PS3 हो, ऑलरेडी दिल्ली NCR या बाहर रिपेयर कराया हुआ था, और जब उन लोगों ने हमसे वो सेट दिखाया तो दोस्तों आप यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा डैमेज कंडीशन में हमारे पास आया था। कुछ सेट तो ऐसे थे जिसमें से पार्ट्स निकले हुए थे। तो दोस्तों ये कॉल आपकी होती है, आपको जज करना है। अगर जो आपके जो कॉस्टली गेमिंग कंसोल है आपको कहाँ से रिपेयर कराना है। अगर आपको टेस्ट आता है गेम FixIt पर, जो कि हमारी डील क्या रहती है, अगर कोई भी गेमिंग कंसोल हमारे पास आता है हम इमीडिएटली उसकी प्रॉब्लम को कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो कॉल पर समझाते हैं ये पार्ट्स था, पार्ट्स को चेंज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज करते हैं। अगर आपके सेट में 500 रुपीज़ का खर्चा तो हम 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ये नहीं कि उसका 5000 चार्ज करते हैं, जो कि दिल्ली के अनदर मार्केट में यूज़ होता है। हमने काफ़ी PS5 रिपेयर किए हैं दोस्तों, जो 90% प्रॉब्लम आई है PS5 की उसकी HDMI प्रॉब्लम से रिलेटेड आई है। HDMI प्रॉब्लम का पोर्ट हमने रिप्लेस किया है। इसकी दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है इसकी पावर सप्लाई में आ रही है, इसकी पावर सप्लाई भी हमने रिपेयर की है। इसके सारे रिपेयरिंग के पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट बंदे अवेलेबल हैं हमारे। आप अगर मैं बात करूं हमारी रिपेयरिंग हिस्ट्री की, हम लोग 1986 जो अटारी लॉन्च हुआ था तब से हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो रिपेयर करते हैं। आज की डेट में भी हम अटारी को रिपेयर करते हैं। अटारी से लेकर PS1, PS2, Xbox, Xbox 360, PS4 और इवन PS5 सभी टाइप की गेमिंग कंसोल गेम FixIt पे रिपेयर होते हैं। देखिए रिपेयरिंग का बेसिक फंडा क्या है, अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप किसी भी टाइप के गेमिंग कंसोल को रिपेयर कर पाएंगे। आज आप किसी भी मार्केट में जाते हो गेमिंग कंसोल रिपेयर करने जाते हो, जरा उनसे पूछो उन्हें 5 साल पहले वो लोग क्या करते थे। बाय प्रोफेशन कोई यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं करता, तो उनका वही रहता है तुक्का लगाते हैं। अगर आपका सेट ठीक हो गया बंदा वो डैमेज है। कस्टमर के प्रोडक्ट की किसी को कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन गेम FixIt आपको ऑफर करता है, ट्रू वैल्यू देता है, आपके कंसोल की केयर करता है। हमारे यहाँ जो भी सर्विस होती है प्लीज हम उसकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग करते हैं। कोई भी कंसोल हम सोचा फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, कंसोल की लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, उसका कोई एडिशन चार्ज नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए थे। कोई भी गेमिंग कंसोल हो, चाहे आपका PS1 हो, PS2, PS3, PS4, PS5 हो या Xbox हो, कोई भी गेमिंग कंसोल आप कभी भी रिपेयरिंग कराने जाएं सबसे पहले आपको जज करना है जिस बंदे से आप रिपेयरिंग करा रहे हो क्या वो एक ट्रस्टफुल बंदा है, क्या उसको प्रॉपर नॉलेज है। क्योंकि होता क्या है कंसोल में आपके में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और अनप्रोफेशनल बंदे से आपने उसको रिपेयर कराया और बाद में पता चला वो कंसोल आपका पूरा डैमेज हो गया। हमारे पास अभी ऐसे सेट आए थे और मैंने उनको एक्सप्लेन किया ये प्रॉब्लम थी, बट जिस भी बंदे से आपने ठीक करा उसने आपका सेट पूरा डैमेज कर दिया। हमारी पूरी पुरानी वीडियोस में देखिए बहुत माइनर सी प्रॉब्लम होती है गेमिंग कंसोल में। सोनी के प्रोडक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, बस वही चीज़ें अगर आप एक्सपर्ट हो अपने काम में तो उस प्रॉब्लम को आप कैप्चर कर सकते हो, एज आप बंदा प्रोडक्ट को डैमेज कर दोगे। आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अभी रिसेंटली हुआ कि हमारे पास बहुत से बायर्स आए थे जिनने किसी अनदर शॉप से PS4 परचेस किया था और जब वो उनमें 1-2 महीने के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। जब हमने यहाँ पे आकर उसको खोला तो पता चला वो रिपेयर साइड है। तो दोस्तों हम ये नहीं कहते कि गेम FixIt पे आके परचेस करो, कहीं से भी आप गेमिंग कंसोल परचेस करो, एक बार जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताए हुए हैं उनको फॉलो करो। आप उनको फॉलो करोगे तो एक जनरल प्रोडक्ट आप परचेस कर पाओगे। इवन अभी जो रिपेयरिंग में भी मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत से कस्टमर जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके ज़्यादा सेटों में क्या प्रॉब्लम आई थी, PS3 में रेड लाइट का इशू आ रहा था। तो दोस्तों एक छोटी सी एडवाइस जो कि मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो ये है कि PS3 हो या PS4 हो, अगर आपने अपने गेमिंग कंसोल को काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया रखा हुआ है तो उस कंडीशन में उसमें PS3 में आती है रेड लाइट की प्रॉब्लम और PS4 में आती है ब्लू लाइट की प्रॉब्लम। आपको अपना गेमिंग कंसोल हर हफ्ते कम से कम 1 से आधे घंटे के लिए चला के छोड़ देना है। अगर आप ये चीज़ करते हो अपने गेमिंग कंसोल के ऊपर, आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ आपका गेमिंग कंसोल में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जहाँ आप अपने गेमिंग कंसोल को रख देते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए और फिर आप चलाते हो तो अगेन उनको आपको स्टेप की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इसको आप प्ले स्टेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। अपने कंसोल की लाइफ बनाने के लिए आप उसको टाइम टू टाइम प्ले करते रहिए ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ रह सके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको आपने इस वीडियो में शेयर किए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ आपको एक अलग वीडियो में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और अच्छे प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।